पेपर बिक रहे हैं, हर पेपर बिक रहा है, इससे हमारा मनोबल वैसे ही गिर रहा है। एक पेपर लीक हो गया, चलो दूसरे में धांधली नहीं होगी, दूसरा अच्छे से रिजल्ट आएगा। आज सरकार भी मर चुकी है, पुलिस भी मर चुकी है और पूरी व्यवस्था भी मर चुकी है। सूबे में भर्ती घोटालों की फहरिस्त बढ़ती जा रही है, जिससे युवा खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। देहरादून में हजारों की संख्या में बेरोजगार युवाओं का आक्रोश फूट पड़ा। तो युवा लगातार हो रहे भर्ती घोटालों को लेकर सरकार के खिलाफ आक्रोशित हैं। प्रदर्शनकारी आगामी भर्ती परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। वहीं देहरादून में बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में हल्द्वानी में भी सरकारी भर्तियों में आवेदन करने वाले सैकड़ों युवा विरोध प्रदर्शन में उतर आए हैं। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में आक्रोशित युवाओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर सीबीआई जांच की मांग की है। युवाओं का साफ कहना है, सर जो घोटाले हो रहे हैं इसकी सीबीआई जांच हो, सीबीआई मांग कर रहे हैं। इसके अलावा आज तक हम घर पे चुप बैठे, इसलिए कि हमने सोचा एक पेपर लीक हो गया, चलो दूसरे में धांधली नहीं होगी, दूसरा अच्छे से रिजल्ट आएगा। लेकिन कल रात जो घटना हुई, हम लगातार तैयारी में बैठे थे, घर से बाहर नहीं निकलते, उसके बाद भी जब लाठीचार्ज होता है, महिलाएं जो हमारे एज की वहाँ पे बैठ के लाठियां खा रही है, उनको देख के हम क्या तैयारी करें? हम तैयारी करेंगे कल के दिन हमें भी लाठियां मिलेंगी, हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्या फायदा हमारी ऐसी तैयारी का? हमें महिला सशक्तिकरण का पाठ पढ़ाया जाता है, संविधान पढ़ाया जाता है, लास्ट में खाते हैं, डंडे खाते हैं, हम घर से बाहर निकलते हैं क्योंकि हमें अपना हक चाहिए होता है, जब बाहर आते हैं पुलिस प्रशासन के डंडे खाते हैं, यही हक है हमारा, इसी के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या हम एक पोस्ट जाते हैं उस पोस्ट में अपना हक मांग रहे हैं? जब वो एक भर्ती का पेपर देते हैं तो वो लीक हो जाता है, फिर दूसरे की आस में तैयारी करते हैं तो वो भी लीक हो जाता है। ऐसे में युवाओं के भविष्य का क्या होगा, ये सरकार को बताना चाहिए। युवा एकता मंच लगातार युवाओं की मांगे उठाता है। 14 सितंबर को हमने सरकार को आगाह किया था महाक्रोश रैली के माध्यम से कि आप जो है प्रदेश की भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच करवाइए, मगर बड़ा दुख का विषय है, ना धामी सरकार जागी, ना प्रदेश के युवाओं के लिए कोई कार्य किया गया। उसके बाद हमने सरकार को चेताया था कि आप जाग जाइए, नहीं तो गोलजू दरबार में अर्जी लगाएंगे। जब पूरा सिस्टम फेल हो गया तो परसों 31 तारीख को हम गोलजू दरबार में न्याय की अर्जी लगा के आए हैं। हे गोलजू महाराज, जब सरकार सो चुकी है, जब पुलिस अत्याचार पे आ चुकी है, तो हे गोलजू महाराज अब आप ही न्याय कीजिए। और आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, इसके बाद का मैं कार्यक्रम बता दूँ, इसके बाद हम आयोग का, सरकार का, क्योंकि सरकार और आयोग और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मर चुका है, तो उनकी शव को लेके हम लोग रानीबाग जा रहे हैं। रानीबाग में उनकी अंत्येष्टि करेंगे, पिंडदान करेंगे और उनकी पुण्यात्मा की जो है शांति के लिए प्रार्थना भी करेंगे, क्योंकि आज सरकार भी मर चुकी है, पुलिस भी मर चुकी है और पूरी व्यवस्था भी मर चुकी है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि वो पहाड़ के दूर दराज के इलाकों से यहां आकर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें पता चलता है कि एक के बाद एक सभी पेपर लीक हो रहे हैं। हमारी मांगे यह है कि उत्तराखंड जो सरकार ने यहां पर धांधली की है, पुष्कर सिंह धामी सरकार ने, इसमें सीबीआई जांच हो। लगातार जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, इससे हमारा काफी मनोबल गिर रहा है। हमारा पहाड़ का युवा यहां पर आता है, तैयारी करने आता है, उसके लिए एक एक दिन काटना मुश्किल है, वो रहेगा खाएगा कहाँ से? और पेपर सरकार हर महीने में पेपर लीक हो रहे हैं, हर पेपर ऐसा पेपर नहीं है जो हम दोबारा नहीं दे रहे हैं और सरकार उसमें धांधली नहीं कर रही है। हर पेपर बिक रहे हैं, हर पेपर बिक रहा है, इससे हमारा मनोबल वैसे ही गिर रहा है और ऐसे ही चलता रहा। तो मुख्यमंत्री है युवा प्रदेश, नहीं नहीं युवा मुख्यमंत्री कुछ नहीं है, युवा मंत्री कुछ नहीं है, कब पैसे के लालच में सब कर रहे हैं, अपना मंत्री होने का कोई फायदा नहीं है इनका। इस मामले में सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश के युवाओं के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह सजग है। पहले की तरह हमने किसी भी भर्ती घोटाले को न तो दबाया है और न ही छुपाया है। जितने भी मामले सामने आए हैं, हमने उनकी जांच कराकर जितने भी दोषी हैं सभी को जेल भेजा है।